सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं फिलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट। काफ़ी समय बाद आपके सामने ये बड़ी रिपोर्ट लेके आया हूं। जब से तुर्की और अरब देशों ने इसराइल का गू खाया है, तब से इसराइल फिलिस्तीनियों पर खुल के हमले शुरू कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अब मस्जिद अल अक्सा के अंदर भी कल और पूरा दिन कल घुसपैठ इसराइली और इसराइली पुलिस की यहूदियों की घुसपैठ जारी रही। यहूदी घुसे और पुलिस भी यहूदी की उनकी मदद करते हुए अंदर घुसी है। पहले विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। दोस्तों, इसके अलावा जब वहां पर मस्जिद अल अक्सा के अंदर यहूदी घुसे तो फिलिस्तीनियों ने कुरान यहूदी शैतानों को दिखाया, उनका विरोध किया, उनका सामना किया। निडर निहत्ते फिलिस्तीनियों ने उनको बताया कि यह मस्जिद अल अक्सा अल्लाह का घर और फिलिस्तीनियों की जगह है। यहूदियों को, शैतान को बात बुरी लग जाती है सच्ची। इसी बीच इजरायली कुत्तों ने एक फिलिस्तीनी बुजुर्ग को बुरी तरह से मस्जिद अल अक्सा के गेट पर पीटा गिराकर। ज़रा सोच के देखिए, मस्जिद किसकी है? मुसलमानों की मस्जिद होती है, अल्लाह का घर होती है। ऐसे में यहूदी कुत्ते मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसे, उल्टा हमारी मस्जिद में घुसकर यहूदी कुत्तों ने मुसलमानों के ऊपर ही आंसू गैस के गोले छोड़े। شرطة الاحتلال تؤمن اقتحام المستوطنين لمساحة مسجد الأقصى المبارك وتطلق الرصاص المطاطي تجاه الشبان المحاصرين داخل المصلى القبلي لعدم ضرب الحجارة عليهم وعدم ضرب المفرقعات. وهي مسجد الأقصى की बात अभी कुछ सेकंड के लिए एक तरफ रख दूं तो आपको बताऊं, यहूदी पुलिस, इजरायली पुलिस फिलिस्तीनियों के इलाकों में घुसकर गोलीबारी करती है, वाटर कैनन दागती है और रात को गिरफ्तार करती है, रेड करती है। ऐसे में फिलिस्तीनी और बच्चों और नौजवानों ने इसराइल का सामना पता है किस चीज़ से किया? फायर क्रैकर्स, बम और पटाखों और फुलझड़ियों से। जैसे ही इसराइल अपने एडवांस हथियारों के साथ इजरायली सेना फिलिस्तीन के इलाके में घुसी, सामने से पटाखे, रॉकेट, जो फायरवर्क होता है, वो फुलझड़ियाँ इनके ओर फेंकी। छोटे छोटे पटाखों से डर कर देखिए यहूदी कैसे भाग रहे हैं भगोड़े। इस झड़प के अंदर जो रात को हुई फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में, कई इलाके में आग देखी गई। सारी दुनिया फिलिस्तीनियों के लिए खामोश हो चुकी है। तुर्की ने जब से इजराइल से हाथ मिलाया है, तुर्की के सपोर्टर्स भी, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे भारत से, मुंह बंद करके बैठ चुके हैं। लेकिन उन सभी मुसलमानों को कहना चाहता हूं, खुदा की कसम याद रखना, कब्र में तुमसे तुर्की के बारे में नहीं, तुम्हारे खुद के अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तब तुम ये नहीं कह सकोगे कि रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल से हाथ मिला लिया था तो हमने सोचा क्या पता ये उनकी कोई चाल हो और आगे जाके इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम। नहीं, इतना वक्त अल्लाह तुमको देगा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, जुल्म पर बोलो, जालिम के खिलाफ बोलो, कमाल इनसे सीखिए। ये देखिए, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं फिलिस्तीनियों के समर्थन में उनकी आज़ादी के लिए रैली निकाली, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर यह तमाचा है उनके गाल पर। न कोई इस प्रदर्शन में लीडर था, न कोई और ग्रुप का हेड था, आम लोग, अफ्रीकी लोग इकट्ठा हुए और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसराइल हर दिन
एक दो फिलिस्तीनी को मारी देता है। आपकी स्क्रीन पर इस नौजवान को देखिए, साउथ नेबुलस में गोलीबारी करके इस नौजवान को इसराइल ने कत्ल कर दिया है। एक बुरी खबर और, सीरिया के बॉर्डर के इलाके पर एक फिलिस्तीनियों से भरी हुई नाव जा रही थी फिलिस्तीन से सीरिया की तरफ, नाव पलट गई, 6 लोग मौके पर ही मारे गए, 16 लोग अभी तक गायब हैं, तलाश जारी है। वहीं इसराइल का आतंक आपको अगली वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। मस्जिद अल अक्सा के गेट कई सारे हैं, 3 से 4 गेट हैं। बाबल असबत नाम के गेट पर एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी को धक्का मारकर इसराइल की हैवान पुलिस ने गिराया और उसके बाद उनको बुरी तरह से पीटा भी। दोस्तों, इसके अलावा मस्जिद अल अक्सा में लगातार यहूदियों की घुसपैठ इसराइल की मिलिट्री की मदद से जारी रही, जिसका विरोध मुसलमान फिलिस्तीनी मुसलमान करते रहे, लेकिन विरोध करने पर कोई असर नहीं। देखिए, इतना ही नहीं दोस्तों, फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट लोगों को भी इसराइल नहीं बख्श रहा है। एक बार फिर साबित होता है कि अल जज़ीरा की पत्रकार का कत्ल करने के बाद भी अभी इसराइल की पुलिस सुधर नहीं रही है, कैसे पत्रकारों पर भी हमले कर रही है। देखिए, तो दोस्तों ये मैंने पूरा हाल फिलिस्तीन आपके सामने रख दिया है। फिलिस्तीन से मोहब्बत हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नमाजों में दुआएं कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से सारी जानकारियां मिलती रहें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।